तो आप Amazon शायद आपको एक चांस देगा, दूसरा चांस देगा, तीसरे चांस देगा, उसके बाद वो आपका विजिबिलिटी धीरे धीरे ड्रॉप करना स्टार्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली Amazon से अगर परचेस नहीं हो रहा वो प्रोडक्ट, तो बेकार में शो करके Amazon का भी एल्गोरिथम का कोई फायदा है नहीं। कि एड्स जो चीज है वो मैजिक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो एड्स का बटन दबा देंगे और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे सेलर्स ऐसा भी करते हैं कि यू नो लिस्ट किया फिर यहाँ वहां से रिव्यू खरीदते हैं, तो क्या वो सही होता है, वैसे करना सही है गलत है? पेड़ में जैसे जड़ होते हैं हजारों, ऐसे Amazon प्रोडक्ट्स में हजारों कीवर्ड्स होते हैं, और ये हजारों कीवर्ड्स एक प्रोडक्ट को Amazon में पावरफुल बना, तो Amazon किसी और प्रोडक्ट को वहां पे घुसा देगा, तो वो आपका जो करंट रैंकिंग है उसको खा लेगा, वहां पे आ जाएगा क्या गलत किया, और ये बताना है कि कैसे आप इसको ठीक करने वाले हैं। अगर आप 10 सैशे को कंबाइन करेंगे देखेंगे ज्यादा क्वांटिटी आएगा, वहां पे आप एक बॉटल को देखेंगे आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं लेकिन आपका जो लिक्विड का एमएल है या फिर क्वांटिटी है वो कम आ रहा है। सेमी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीकांत जी मुझे आज इन्वाइट करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ऑडियंस के साथ आज Amazon के बारे में जितना ज्यादा मैं जान सकूं उतना मैं शेयर करना चाहता हूँ आज। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज काफी टाइम से हम आपको चेस कर रहे थे कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारी जो ऑडियंस है उनको Amazon के बारे में आप बता सके। क्योंकि देखिए आप खुद जानते हैं जब से Shark Tank इंडिया आया है मैक्सिमम लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो खुद का D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं। अब D2C ब्रांड अगर बनाना है तो ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है Amazon हो गया, Flipkart हो गया, Meesho हो गया, इन पे प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है ये तो पता होना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमको वो इनसाइट दे पाएंगे कि अगर कोई भी नया इंसान अपना खुद का D2C ब्रांड शुरू करना चाहता है या फिर वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। जी जी बिल्कुल, अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ ना, लगभग इंडिया में जो लास्ट ईयर का डेटा मिला था लगभग 300 मिलियन ऑनलाइन परचेजर्स है, मतलब ऑनलाइन शॉपर्स लगभग 300 मिलियन है। वहाँ पे लास्ट ईयर में जो डेटा आया था लगभग 54 लाख सेलर्स है, ऑनलाइन सेलर्स। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं जैसे मामा अर्थ भी अपना जर्नी जब स्टार्ट किया था Amazon का लॉन्च पैड से स्टार्ट किया था। कोई भी D2C ब्रांड जब आता है ना वो पहले देखता है कि मैं Amazon में लॉन्च करूं, क्योंकि Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे न्यू ब्रांड्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जहां Flipkart में अगर एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो आपको अच्छा मिलता है, लेकिन न्यू ब्रांड है तो वहां पे या फिर आपका खुद का ब्रांड है वो Amazon में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि Amazon पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है जो एक इंसान हर एक दिन यूज करता है, जो एक इंसान हर एक महीने में खरीदता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं टूथपेस्ट या फिर सोप, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, FMGC हम लोग बोलते हैं, ये ऐसे काइंड ऑफ कैटेगरी है जहां पे आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है बिक तो रहा है प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा कैटेगरी जहाँ पे बेचने के लिए या फिर एक कस्टमर को पकड़ने के लिए कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। वहां पे कुछ ऐसे ऐसे कैटेगरीज है जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होते। जहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ, हम लोग बेच रहे थे कॉटन स्विंग, या फिर अब आपको मैं एग्जांपल दूँ बाथरूम में जो होल्डर्स लगे हुए रहते हैं, या फिर कंप्यूटर या फिर आपके जो वायर्स रहते हैं लैपटॉप वगैरह का, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए केबल ऑर्गेनाइजर आता है, टेबल ऑर्गेनाइजर आता है, डेस्क ऑर्गेनाइजर आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर बॉटल्स आता है। तो ऐसे ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो शायद आपको या मेरे को पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट भी बिक सकता है, जो हजारों में डेली बिक रहा है। तो ये सब इतना क्वांटिटी में बिकता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि हाँ कस्टमर खरीदते भी हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। सो मैं ये जानना चाहूंगा, मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जिसके पास ज्यादा बजट नहीं है और वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, सो उस केस में उसे कौन सी कैटेगरी के साथ शुरू करना चाहिए और कम से कम उसके पास कितने पैसे होने चाहिए Amazon पे काम करने के लिए? बजट का अगर मैं बात करूँ, हर एक सेलर जो या फिर कोई जो एस्पिरेशन से आ रहे कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ एक सिंपल तरीका होता है ताकि आप अपना क्या प्रोडक्ट बेचेंगे वो जान सके। Amazon, आप जैसे गूगल में जाके सर्च करेंगे Amazon बेस्ट सेलर या फिर Amazon इंडिया बेस्ट सेलर, तो जैसे सर्च करेंगे ना नीचे आपका गूगल सर्च रिजल्ट में आएगा Amazon बेस्ट सेलर पेज। उसके अंदर जैसे आप जाएंगे एक एक मेन कैटेगरी, जैसे हुआ होम एंड किचन, बेबी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, ये सब मेन कैटेगरी हुआ, उसके सब बेस्ट सेलर दिखाएगा, मतलब 1 से लेके 100 तक सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट दिखता है वो रैंक वाइज Amazon शो करता है हर एक कैटेगरी का। लेकिन यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर सबसे ज्यादा बिक रहा है तो मालूम ऐसा हो सकता है कि वो सबसे फेमस ब्रांड का है, जहां पे उनका करोड़ों का स्पेंड हो रहा है एडवर्टाइजिंग में, उनका मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा है, उससे हम लोग कम्पीट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप मेन कैटेगरी के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वहां पे सब कैटेगरी आ जाता है। मतलब अगर सोचिए होम एंड किचन एक कैटेगरी है, उसकी भी सब कैटेगरी होगा, जैसे होम ऑर्गेनाइजर या फिर किचन ऑर्गेनाइजर या फिर होम अप्लायंसेस या फिर क्लीनिंग सप्लाइज। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, वहां पे आप एक सब कैटेगरी के अंदर जब क्लिक करेंगे उसकी भी सब कैटेगरी है।
सोचिए हम लोग क्लिक करते हैं होम एंड इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर आपको सब कैटेगरी दिखेगा, जैसे क्लीनिंग अप्लायंसेस या फिर क्लीनिंग सप्लाइज या फिर माइक्रोफाइबर्स, सब माइक्रो कैटेगरीज मिलेगा आपको। और उस माइक्रो कैटेगरीज में भी अमेज़न दिखाता है कि टॉप 100 प्रोडक्ट्स क्या है, तो वो राइट पोजीशन है आपका या राइट जगह है जहां पे आपको आइडिया मिल सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूं। आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा यूनिक है, जो बहुत फेमस ब्रांड नहीं बेच रहे हैं। आपको हमेशा फेमस ब्रांड को अवॉइड करना है। उसको बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपको ये प्रोडक्ट चूज करना है जो सीजनल ना हो। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली सर्दी के मौसम में छतरी बेचना नहीं चाहेंगे, तो आपको छतरी बेचना तभी है या फिर अम्ब्रेला तभी बेचना है जब रेनी सीजन हो या फिर बहुत ज्यादा धूप हो। जाके गूगल ट्रेंड्स में सर्च कीजिए, वहां पे आपको ट्रेंड शो करेगा क्या ये प्रोडक्ट सीजनल है, कोई ऐसा सीजन है या मंथ है जहां पे ज्यादा बिकता है बाकी मंथ में नहीं बिकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है। तो इससे आपका लिस्ट ना थोड़ा कम हो जाएगा, अभी आपके पास बचेगा 2 या 3 प्रोडक्ट। इसको आपको टेस्ट करना है। कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट करने का सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आपको डेटा चाहिए, क्योंकि आप बिना डेटा देखे कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट में कैसे रहेगा या फिर कैसा बिकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रोडक्ट का 10 से 15 क्वांटिटी आप ऑर्डर कीजिए सप्लायर से, कम कॉस्ट रहेगा, शायद 2,000-2,500 कॉस्ट लगेगा एक एक प्रोडक्ट का 10-20 क्वांटिटी। उसको अमेज़न पर लिस्ट कीजिए, लिस्ट करने के बाद आप 1 हफ्ता के लिए या 10 दिन के लिए एड धीरे धीरे रन कीजिए, मतलब ज्यादा अग्रेसिव नहीं जाना है, छोटा बजट रख के छोटा बिड रख के आप रन कीजिए। वहां पे क्या पॉइंट्स आपको देखना है, एड्स जो होता है ना, एड्स में आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है, जैसे मेट्रिक्स मिलता है, जैसे वो क्लिक थ्रू रेट CTR। CTR मतलब अगर आपका एड कस्टमर के सामने आ रहा है उसमें से कितने कस्टमर एड में क्लिक कर रहे हैं। अगर 100 लोगों के सामने आपका एड शो हो रहा है उसमें से 4 लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब आपका क्लिक थ्रू रेट हो गया 4% एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट है। दूसरा जो मेट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है कि कितने लोग आपका लिस्टिंग में है, मतलब जो हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर जाके इमेजेस देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, प्राइस देखते हैं, तो उस प्रोडक्ट डिटेल पेज या लिस्टिंग पेज में कितने कस्टमर आ रहे हैं और उस कस्टमर में से कितने लोग परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो है कन्वर्शन रेट। कुछ मेट्रिक्स में बता देता हूं, एक क्लिक थ्रू रेट अगर 0.4% से ज्यादा है मतलब अच्छा खासा है, कन्वर्शन रेट अगर 8% से ज्यादा है मतलब अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको कितना खर्चा हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3 प्रोडक्ट जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें से सबसे प्रॉफिटेबल या सबसे कम खर्चा किसमें आ रहा है। जिसमें सबसे कम खर्चा आ रहा है वो होगा आपका हीरो प्रोडक्ट, उसके ऊपर आप थोड़ा ज्यादा लगा के 10-20,000 लगा के ज्यादा क्वांटिटी लेके आ सकते हैं या फिर सप्लायर से डील कर सकते हैं कि मुझे हर एक वीक 50 क्वांटिटी भेज दीजिए कीजिए। तो इस तरीके से आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं और टेस्ट करके सेल भी करना स्टार्ट कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। समी भाई ये भी बताइए, देखिए मैंने ना एक अमेज़न पे एक सेलर था उससे बात की थी, तो उसने बताया था कि अमेज़न पे टोटल 3 तरीके की लिस्टिंग होती है, एक जनरल लिस्टिंग होती है, उसके बाद में एक ब्रांड वाइज होती है, एक ट्रेडमार्क वाइज होती है। सो किसको किस प्रकार की लिस्टिंग करनी चाहिए और अमेज़न किस लिस्टिंग वाले प्रोडक्ट को कैसी विजिबिलिटी देता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, सोचिए आप अमेज़न में गए, सैमसंग का कोई लिस्टिंग है, ठीक है, सैमसंग का है, एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन आपके पास भी सैमसंग का सोचिए 10-20 पीस AC पड़ा हुआ है आपके घर में, ठीक है, अभी गर्मी का सीजन है तो मैं AC का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप चाहते हो उसको बेचना, लेकिन आप अगर बेचना चाहेंगे आपको सैमसंग के लिस्टिंग के ऊपर एज अ सेलर बेचना पड़ेगा, तो इसके लिए आप बेच नहीं सकते डायरेक्टली, आपको सैमसंग से पहले ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर लेना होगा कि मैं इसके ऊपर बेचना चाहता हूँ, तब आप बन जाएंगे ब्रांड लिस्टिंग के ऊपर एक सेलर। मतलब ब्रांड कौन सा है, सैमसंग, आप कौन है, दूसरे सेलर जो सैमसंग का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये हुआ आपका ब्रांड लिस्टिंग, मतलब ब्रांड का एक लिस्टिंग बना हुआ है जिसके ऊपर आप एक सेकंड सेलर बनकर सेल करते हैं। दूसरा लिस्टिंग जो होता है, जो सोचिए आप थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास या फिर एक आइडिया है कि आपको एक सोचिए स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, एक फेस वॉश आपको लॉन्च करना है, बहुत अलग है, आप खुद लॉन्च कर रहे हैं, आपने ब्रांड का भी नाम सोचा है, सोचिए कुछ XYZ ब्रांड, ये आपने खुद सोचा है बहुत ध्यान लगा के कि ये ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, ये मेरा ब्रांड होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको जब खुद का ब्रांड है तो हम लोग बोलते हैं इसको प्राइवेट लेबल, मतलब आपने ब्रांड नेम खुद सोचा है, तो उसको आप लिस्ट कर सकते हैं। 2 तरीके होता है लिस्टिंग करने का, एक होता है आपका ट्रेडमार्क, मतलब जो ब्रांड नेम है, सोचिए कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मेरा एक ब्रांड नेम था ब्लू टोड्स, तो ये एक ब्रांड नेम सोचिए आप ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं, मतलब कोई और आपके ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता,
तो अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, इसमें शायद लगभग 5-6 हज़ार खर्चा आता है ट्रेडमार्क कराने का, तो जैसे आपका ट्रेडमार्क मिल जाता है आपके ब्रांड नेम के ऊपर, कोई दूसरे लोग या फिर दूसरे सेलर या फिर दूसरे कोई वेंडर आपका ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप एक ट्रेडमार्क के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड रजिस्टर्ड लिस्टिंग। मतलब अभी खुद आप ब्रांड ओनर हैं। एक दूसरा तरीका होता है जहां पे सेलर को ट्रेडमार्क नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अमेज़न उनको अप्रूव करते हैं कि चलो आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन आप फिर भी आपके ब्रांड नेम जो आपने सोचा हुआ है उसके ऊपर सेल कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया आता है अमेज़न से, GTIN अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब अमेज़न आपको अप्रूव करेगा कि ये जो ब्रांड नेम आपने सोचा है ये अमेज़न प्लेटफॉर्म में आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अमेज़न जैसे अप्रूव करते हैं उसके बाद आप ये थर्ड टाइप ऑफ लिस्टिंग जो GTIN लिस्टिंग हम लोग बोलते हैं, इससे आप लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप खुद का ब्रांड नेम ही यूज करेंगे। समीर भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि जितने भी आपने लिस्टिंग बताई उसमें अमेज़न की तरफ से सबसे ज्यादा विजिबिलिटी किसको मिलती है? जैसे मान लीजिए मैं रेंडमली कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आता हूँ और वो ब्रांडेड तो होते नहीं है, तो उनको मैं लिस्ट करता हूँ तो मुझे ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, या अगर कोई ब्रांड है जिसने ट्रेडमार्क लिया हुआ उसको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी? देखिए, अमेज़न इस तरीके से विजिबिलिटी को नहीं देखता है, वो देखता है कि कस्टमर के लिए कौन सा बेहतर है। तो कुछ कुछ सिग्नल्स होता है जो अमेज़न ट्रैक करता है कि कोई प्रोडक्ट है, कोई भी हो सकता है, वो तीन टाइप ऑफ लिस्टिंग में से कोई भी हो सकता है, ब्रांडेड भी हो सकता है, GTIN वाला भी हो सकता है, जेनरिक वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर कस्टमर के पास अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास है, मतलब कस्टमर जहाँ पे ऑर्डर देना चाहते हैं उसी स्टेट में प्रोडक्ट रखा हुआ है कोई वेयरहाउस में, उस प्रोडक्ट का पास्ट रेलिवेंसी अच्छा है, मतलब जो कीवर्ड कस्टमर सर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट का पास्ट कन्वर्जन रेट अच्छा है, मतलब पहले बहुत अच्छा ऑर्डर आ चुका है उस कीवर्ड्स के लिए, तो ये सब डेटा पॉइंट्स देखता है अमेज़न। उसके बाद डिसाइड करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ज़्यादा एलिजिबल है पुश करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि हाँ अगर ब्रांडेड है उसको ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अमेज़न हर एक लिस्टिंग को सेम मौका देता है, लेकिन अब वो मौका को ब्रांड्स कैसे यूज करेंगे वो उनके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स खर्चा नहीं करते इमेजेस के ऊपर, कॉपी करके डाल देते हैं, तो उसमें अगर कस्टमर आएंगे तो चर्न रेट ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा कस्टमर ड्रॉप करेंगे, परचेस नहीं करेंगे, तो उससे क्वालिटी ड्रॉप होगा। और जैसे अमेज़न देखता है कि इसमें तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन परचेस नहीं कर रहे हैं, तो अमेज़न शायद आपको एक चांस देगा, दूसरा चांस देगा, तीसरी चांस देगा, उसके बाद वो आपका विजिबिलिटी धीरे धीरे ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेज़न से अगर परचेस नहीं हो रहा वो प्रोडक्ट तो बेकार में शो करके अमेज़न का भी एल्गोरिथम का कोई फायदा है नहीं। सो समीर भाई, जैसे आपने एल्गोरिथम की बात की, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अमेज़न की साइकोलॉजी क्या होती है, उसका एल्गोरिथम किस तरीके से होता है? मतलब किसी भी सेलर को प्रमोट करने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले क्या चेक पॉइंट्स होते होंगे जो वो चेक करता होगा? देखिये, अमेज़न जो एल्गोरिथम है उसको हम लोग बोलते हैं A9 एल्गोरिथम। मैं आपको इसको बहुत इजीली समझा सकता हूँ। लगभग 2 साल पहले की बात है, यहाँ पे कोलकाता में बहुत बड़ा तूफान आया था, सुपर साइक्लोन अम्फान, और मैं अभी जिस अपार्टमेंट से शूट कर रहा हूँ ना, ये लगभग 12th फ्लोर पे है और मेरा इसमें बैल्कनी बना हुआ है जो हॉल और बैल्कनी को सेपरेट करता है, आपका ग्लास का स्लाइडिंग डोर आता है ना, इसको सेपरेट करता है। तो जिस दिन तूफान आने वाला था मैं बैल्कनी में जाके खड़ा हूँ और मैं नीचे देख रहा हूँ 3-4 पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, 50-60 फीट लंबा पेड़ खड़े हुए हैं, तूफान अपना फुल जोर पकड़ लिया। और जैसे मैं देखता हूँ ये 3 पेड़ में से 2 पेड़ जो खड़े हुए थे ना, जैसे तूफान का हवा तेज हो वो जमीन पे पूरा पटक के उल्टा होकर गिर गए, पूरा जड़ बाहर आ गया। और वहीं पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, सेम लंबा पेड़, 50-60 फीट लंबा होगा, लेकिन वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पत्ते शायद गिरा होगा या डाली, छोटा मोटा डाली गिरा होगा, लेकिन वो एकदम स्टिल खड़ा हुआ है। अभी इसका रीजन क्या होगा कि एक पेड़ एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, दूसरा 2 गिर गया, इसका रीजन एक ही हो सकता है, उसका जो जड़ है शायद वो बहुत ज्यादा लंबे, बहुत ज्यादा अंदर तक फैला हुआ है, बहुत एरिया लेके फैला हुआ है, हजारों जड़ हैं जो उसको पकड़ के रखा है। जब हम लोग अमेज़न में कोई प्रोडक्ट का बात करते हैं ना, ये पेड़ में जैसे जड़ होते हैं हजारों, ऐसे अमेज़न प्रोडक्ट्स में हजारों कीवर्ड्स होते हैं, और ये हजारों कीवर्ड्स एक प्रोडक्ट को अमेज़न में पावरफुल बनाते हैं। जैसे वो पेड़ को पावरफुल बना रहा था वो जड़, ऐसे अमेज़न प्रोडक्ट को पावरफुल बनाता है उसका कीवर्ड्स। और ऐसे हजारों कीवर्ड्स जब एक प्रोडक्ट में इंडेक्स होता है, अभी इंडेक्स क्या है मैं समझाता हूँ, जब हजारों कीवर्ड्स इंडेक्स होता है तब जाके वो पावरफुल बनता है। अभी सोचिए कोई कीवर्ड आप जाके सर्च करते हैं वाटर बॉटल, और आप एक वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अगर शो होता है वो सर्च में, चाहे वो फर्स्ट पेज में हो सकता है, सेकंड पेज में हो सकता है, थर्ड पेज में हो सकता है, लेकिन शो हो रहा है कहीं पे भी, तो वो इंडेक्स कर रहा है। और एक दूसरा टर्म आता है रैंक,
मतलब रैंक क्या है, रैंक बेसिकली आपको ये बताना है कि जो इंडेक्स हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, क्या वो फर्स्ट पेज पे 10th पोजीशन पे हो रहा है, थर्ड पोजीशन पे हो रहा है, फोर्थ पोजीशन पे हो रहा है, बेसिकली रैंक बताना। तो एक प्रोडक्ट जब हजारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होता है या रैंक करता है तब जाके वो पावरफुल बनता है और तब उसको Amazon पुश करता है कि Amazon का ENI एल्गोरिथम और ज्यादा सेल लेके आने के लिए और ऑर्गेनिक सेल लेके आने के लिए। लेकिन एक प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे हजारों कीवर्ड्स, जो बहुत ज्यादा है, एक प्रोडक्ट को हजारों कीवर्ड्स के लिए रैंक या इंडेक्स होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए या फिर Amazon ENI एल्गोरिथम को थोड़ा धोखा देके जल्दी काम करवाने के लिए एड्स रन करते हैं सेलर्स। ये एड्स में क्या होता है, जैसे एक कीवर्ड में सोचिए वाटर बॉटल में एक सेलर एड रन कर रहा है, मतलब Amazon को वो सेलर बोल रहे हैं कि कोई भी कस्टमर अगर सर्च करता है वाटर बॉटल तो मैं आपको पैसा देता हूं कि मेरा प्रोडक्ट शो करो। तो जैसे ही कोई सर्च करता है वाटर बॉटल, आपका प्रोडक्ट का एड शो होता है क्योंकि आप Amazon को पैसा दे रहे हैं, वो कस्टमर क्लिक करते हैं एड के ऊपर और जाके खरीदते हैं। जैसे खरीदते हैं आपका रैंकिंग क्या होता है उस कीवर्ड के लिए आगे आ जाता है थोड़ा। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका रैंकिंग बढ़ता है और जो कीवर्ड्स लिंक्ड है उस कीवर्ड से, वाटर बॉटल से लिंक्ड जो रिलेटेड कीवर्ड्स है उसके ऊपर भी आपका रैंकिंग बनता जाता है क्योंकि Amazon को लगता है अरे इस कीवर्ड से रिलेटेड तो इतने सारे और कीवर्ड्स है, इसके लिए भी मैं ये वाला लिस्टिंग को इंडेक्स करना स्टार्ट करता हूं। तो इससे आप धीरे धीरे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इस तरह के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप देखते होंगे बहुत साइकिलिस्ट होते हैं, सुबह सुबह साइकिल लेके निकल जाते हैं, मैं तो वंडर करता हूं कि कैसे ये लोग इतना ज्यादा साइकिल चला पाते हैं। अब देखेंगे एक साइकिलिस्ट जैसे पैडल करते हैं, वो एक स्पीड पे जाते हैं और स्पीड के सोचिए 30 किलोमीटर/घंटा, वो स्पीड पे जाने के बाद वो सोचिए पैडल करना रोक दिए, उनका पैर पैडल के ऊपर खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है लेकिन वो पैडल कर नहीं रहे, लेकिन आप देखेंगे साइकिल फिर भी आगे जा रहा है क्योंकि पहले उन्होंने जो पैडल किया उसका मोमेंटम इतना ज्यादा था कि वो आगे बढ़ते रह रहे हैं। ये सेम इफेक्ट होता है एड से, जब आप एड्स रन करते हैं आपका ऑर्गेनिक जो सेल होता है या ऑर्गेनिक रैंकिंग होता है या कीवर्ड का इंडेक्सिंग होता है वो बढ़ता जाता है। पहले आप शायद 10 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहे थे, अभी आप 100 कीवर्ड्स के लिए होंगे, धीरे धीरे 1,000, 2,000, 3,000 इस तरीके से बढ़ता जाएगा और जितना ज्यादा कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होगा आपका SEO और ज्यादा पावरफुल होगा, उससे आपको और सेल्स मिलेगा और ENI एल्गोरिथम के नजरों में आप और पावरफुल बनते जाएंगे। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया। अब समीर भाई मैं ये भी जानना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो कैसे करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है तो कितने मल्टीपल्स में उसको Amazon पे सेल करना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट आ सके। तो इसका एक सिंपल मेट्रिक्स हम लोग कैलकुलेट करते थे कि क्योंकि आपको मैं कुछ नंबर्स बता देता हूँ Amazon में क्या क्या रहता है। Amazon का फीस रहता है, ठीक है, Amazon का फीस में अगर आप देखेंगे FBA तो Amazon का एक सेलिंग फीस रहता है जो कुछ परसेंटेज वो चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं। दूसरा Amazon का एक क्लोजिंग फीस रहता है जो बहुत कम रहता है। दूसरा Amazon का FBA फीस रहता है, FBA मतलब Amazon का जो वेयरहाउस है उसमें अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका बॉक्स का खर्चा है, पैकिंग का खर्चा है, शिपिंग का खर्चा है जो बहुत बड़ा होता है, तो ये कुछ खर्चा आता है। इसमें अगर आप देखेंगे एक बॉल पार्क फिगर, आप एक प्राइस सोचिए 100 रुपए को, 100 रुपए को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट चला जाएगा आपका Amazon फीस, FBA फीस, दूसरा पार्ट चला जाएगा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, तीसरा पार्ट आपका रह जाएगा खुद के लिए जो होगा ग्रॉस मार्जिन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई प्रोडक्ट सोचिए आपका कॉस्ट पड़ा 100 रुपए तो आप कितने में सेल करेंगे, आप 300 से 400 में अगर सेल करेंगे तो आपका मार्जिन अच्छा खासा बच जाएगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज है कि आप कंपटीशन से बाहर प्रोडक्ट का प्राइस सेट नहीं कर सकते, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोडक्ट का प्राइस आप देखिए, सेलर आपका जो सप्लायर है उससे कितना मिल रहा है, उसके बाद मार्केट रिसर्च कीजिए, मार्केट में कितना प्राइस में सेल हो रहा है, क्योंकि वो भी आपका एक फैक्टर होगा ये डिसाइड करने के लिए कि आप वो प्रोडक्ट सेल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका एंड ऑफ द डे मार्जिन नहीं आ रहा है तो आप उसको सेल करने के फायदा है नहीं। अब आप ये भी बताइए कि जो नए सेलर्स होते हैं वो ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते। तो हम लोगों ने जो देखा है मैक्सिमम सेलर्स यहाँ पे क्या करते हैं, उनका फर्स्ट जो प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, तो वो एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट मिला है मतलब ये अच्छा बिकेगा क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम लगा के रिसर्च किया है, तो उनका मन बैठ जाता है एक प्रोडक्ट के ऊपर जो करना नहीं है। आप कभी भी किसी एक चीज के ऊपर उतना ज्यादा अगर खुद भरोसा कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया टेस्ट कीजिए, आपको डेटा देख के बताना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, खुद के ऊपर उतना ज्यादा दिल का मत सुनिए, आप डेटा देख के डिसीजन लीजिए। पहला आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कीजिए क्योंकि
तीन में से शायद आपका दो चलेगा नहीं, एक चलेगा, लेकिन वो कैसे आप डिसाइड करेंगे, डेटा देख के कि किसमें मेरा कम खर्चा आ रहा है एक कस्टमर को लेके आने के लिए, उसको आप अच्छे से स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है सेलर्स का, वो जो होता है क्या, उनका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो चले जाते हैं आउट ऑफ स्टॉक, मतलब उनका स्टॉक खत्म हो जाता है, वो बहुत टाइम लगा देते हैं रीस्टॉक करने के लिए। लेकिन Amazon का एल्गोरिथम ऐसा है कि हाँ, आपका अगर प्रोडक्ट बिक रहा था, उस कीवर्ड्स के लिए बिक रहा था, अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो Amazon किसी और प्रोडक्ट को वहां पे घुसा देगा, तो वो आपका जो करंट रैंकिंग है उसको खा लेगा, वहां पे आ जाएगा, वो एक चीज है। तो इससे बचने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉक आउट ना हो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है। जो थर्ड थिंग है वो है कस्टमर्स जो Amazon के ऊपर आता है वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली देख नहीं सकते, लाइव देख नहीं सकते या फिर टच करके फील भी नहीं कर सकते। तो आपको कस्टमर को यकीन दिलाना है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कैसे आप करेंगे, आपको इमेजेस जो है वो बहुत अच्छा बनाना है ताकि कस्टमर को इमेजेस देख के ही पता चल जाए हाँ ये बहुत अच्छा है। दूसरा, वीडियोस, प्रोडक्ट में आप वीडियो भी डाल सकते हैं, तो आपको ये इमेजेस वीडियोस जो है, क्योंकि ये इकलौता जगह है जिससे आप कस्टमर को बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट वो खरीदे वो कैसा दिखता है, क्या उनको मिलने वाला है, तो ये जगह पे आपको बहुत अच्छे से आपका इमेजेस बनाना है, वीडियो अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो बनाना है ताकि कस्टमर को पता चले कि क्या उनको मिलने वाला है। जो फोर्थ थिंग मैं बताना चाहूंगा कि कस्टमर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव चले जाते हैं एड्स को लेके, लेकिन एड्स ऐसा है जो आपको धीरे धीरे डेटा देख के एनालाइज करना होता है कि एड्स जो चीज है वो मैजिक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो एड्स का बटन दबा देंगे और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एड्स का काम है आपको लिस्टिंग को पर ट्रैफिक लेके आना। आपका ट्रैफिक परचेज में जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर जो ट्रैफिक आप लेके आ रहे हैं, मतलब कस्टमर को लिस्टिंग के ऊपर लेके आ रहे हैं, वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो पूरा डिपेंड करता है आपका लिस्टिंग के ऊपर। आपका लिस्टिंग किस तरीके से बना हुआ है, क्या कस्टमर को ट्रस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ चीज है। और एक फिफ्थ पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा, रिव्यूज। अगर प्रोडक्ट में रिव्यूज नहीं है तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कब ऐसा प्रोडक्ट खरीदा था जिसमें रिव्यूज नहीं है। तो ये पांच मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है अगर आप सेल करना चाहते हैं और अच्छा खासा सेलर बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे सेलर्स ऐसा भी करते हैं कि लिस्ट किया फिर यहाँ वहां से रिव्यू खरीदते हैं, तो क्या वो सही होता है, वैसे करना सही है गलत है, कैसा होता है, आप जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पे मोरली एथिकली कुछ चीज सही है, कुछ चीज नहीं है, ठीक है। अभी जब कोई बिजनेस रन करते हैं, कोई ब्रांड आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको कुछ डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है जो शायद एथिकली उतना राइट ना हो। जैसे हम लोग जो ब्रांड्स के साथ काम करें, वो मैक्सिमम ऑफ द ब्रांड्स फंडेड रहते हैं, और उसमें से जो हम लोगों ने देखा है, मैक्सिमम लोग रिव्यूज खरीदते हैं। जो ऐसे एजेंसीज हैं जो रिव्यूज बेचते हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको जल्दी से रिव्यूज चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट का टेस्ट हो सके, वो मार्केट में अपना जगह बना सके। लेकिन बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी हैं जिनके पास शायद बजट ना हो ऐसे एजेंसी के पास जाके रिव्यू खरीदने का, तो उस केस में वो खुद ट्राई करते हैं रिव्यूज के लिए। Amazon US में एक ऑप्शन है वाइन प्रोग्राम, जो इंडिया में है नहीं, उसमें Amazon आपके लिए रिव्यूज लेके आता है आपका प्रोडक्ट का एक्सचेंज में। उनके पास कुछ कस्टमर्स है जो Amazon ट्रस्टेबल कस्टमर्स है जिससे रिव्यूज लेके आते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। तो इंडिया में सेलर्स अगर ऑर्गेनिक रिव्यू के लिए वेट करेंगे तो बहुत कम है, तो वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं। जितने भी बड़े छोटे सेलर्स हम लोगों ने देखा है, वो रिव्यू खरीदते हैं या फिर कहीं और से, अपने दोस्त से वगैरह से या रिलेटिव से रिव्यूज थोड़ा बहुत लेके आते हैं। ये नॉर्मल है, ये चलता है, सब लोग कर रहे हैं, गलत है लेकिन सब लोग फिर भी कर रहे हैं। Amazon हमको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि हम सेल्फ शिप भी कर सकते हैं, Amazon का जो शिपिंग पार्टनर्स होते हैं उनका भी हेल्प ले सकते हैं, साथ ही साथ में FBA भी कर सकते हैं। सो जो नए सेलर्स होते हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या उनको सेल्फ शिप में जाना चाहिए या Amazon के जो पार्टनर्स होते हैं उनके थ्रू करवाना चाहिए, या फिर जो FBA होता है उसका यूज करना चाहिए। जी देखिए, यहाँ पे ना विजिबिलिटी का एक पार्ट आता है, जो आपने पहले ही पूछा था कि क्या ब्रांड्स को विजिबिलिटी मिलता है कि नहीं मिलता है। जो सेल्फ शिप है और इजी शिप है, ये दो में विजिबिलिटी थोड़ा कम मिलता है। जहाँ पे FBA अगर कंपेयर करते हैं, FBA में 20-25% विजिबिलिटी ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि Amazon को पता है कि उनका प्रोडक्ट कब तक पहुंचेगा, वो गारंटी Amazon ले सकता है क्योंकि वो उनके पास है। लेकिन जब सेल्फ शिप या इजी शिप हो जाता है तो वो सेलर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इजी शिप में थोड़ा बहुत विजिबिलिटी ज्यादा मिलता है सेल्फ शिप से, क्योंकि वहां पे जो पिकअप रहता है उसका स्केड्यूल टाइम रहता है कि विद इन 2 days आपको शिप करना होता है। लेकिन जो सेल्फ शिप होता है उसमें बहुत सारे पिन कोड्स ऐसे हैं जहां पे आपका प्रोडक्ट अनडिलीवरेबल शो करता है। तो सेल्फ शिप में सबसे कम विजिबिलिटी मिलता है,
उसके ऊपर एजीशिप, उसके ऊपर एफबीए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए एफबीए में क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है हम अमेजोन को भेज देते हैं, उसके बाद में वो अपने हिसाब से उसको पैक करके कस्टमर को सेंड करते हैं। सो ये इसका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है? जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में मैंने प्रोडक्ट को खरीदा, उसके बाद में मैंने एफबीए में भेजा। सो अगर मान लीजिए कोई कलकत्ता से ऑर्डर आता है, दिल्ली से ऑर्डर आता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? क्या मुंबई के वेयर हाउस में पड़ा रहता है या फिर थोड़ी थोड़ी चीजें हर एक वेयर हाउस में जाती है, किस तरीके से ये काम करता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, एफबीए जो होता है उसमें उनका जो एल्गोरिथम है इस तरीके से सेट है कि सोचिए जो कस्टमर है वो एफबीए आपका मुंबई में आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है और कस्टमर भी मुंबई में है, तो वहां पे क्या होगा, आपका जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे पहले तो अमेजोन के पास वो सिग्नल जाएगा, अमेजोन प्रोडक्ट पिक करेगा, शिप करेगा। लेकिन कोई एग्जांपल लीजिए कि जो सेलर का प्रोडक्ट है वो मुंबई वेयर हाउस में नहीं है लेकिन कस्टमर आपका मुंबई में ही है, तो उस केस में बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, वो मल्टीपल वेयर हाउसेस में रजिस्टर करते हैं। मतलब सोचिए वो सेलर वेस्ट बंगाल का वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मुंबई का वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखे हुए हैं, कर्नाटका का वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं उनके पास जो प्रोडक्ट सबसे पास होता है वो उसका डिलीवरी टाइम शो करता है। तो जो सेलर ये वाला मेथड यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या होता है, यहाँ पे सेलर मल्टीपल स्टेट्स का जीएसटी लेता है और मल्टीपल स्टेट में आपका प्रोडक्ट भेजना स्टार्ट करता है छोटा छोटा क्वांटिटी में, ताकि उनका कस्टमर के पास उनका प्रोडक्ट पहुंच सके, और उसमें जब ऑर्डर आता है वो प्रोडक्ट का वो बहुत जल्दी डिलीवर होता है। सोचिए एक सेलर है जो मुंबई में बैठे हुए हैं, उनको ये पता चला कि उनका ज्यादातर सेल आ रहा है गुजरात में, तो वो क्या करेंगे, वो गुजरात का वेयर हाउस रजिस्टर करेंगे अपने जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और कुछ क्वांटिटी प्रोडक्ट्स गुजरात के वेयर हाउस में रख देंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि उनका कस्टमर बेस जो है मैक्सिमम गुजरात में है। अभी जो कस्टमर गुजरात में है वो जब ऑर्डर प्लेस करेंगे उनको विद इन अ डे या विद इन वन डे डिलीवरी हो जाएगा, इससे विजिबिलिटी भी बढ़ेगा, एड्स का कॉस्ट भी घटेगा, प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा और शिपिंग कॉस्ट भी कम आएगा। सो मान लीजिए कोई नया सेलर है, तो एफबीए के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो नया सेलर होता है वो भी अप्लाई कर सकता है, मतलब वो भी इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है? तो आपका जैसे जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर में आप जो एफबीए वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस आपका जीएसटी में एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एड करना पड़ता है। ये प्रोसेस सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन अमेजोन का खुद का सीए रहता है जो ये प्रोसेस आपके लिए करके देता है। यहाँ पे क्या होता है, अमेजोन का जो वेयर हाउस है एफबीए वेयर हाउस, उसका इलेक्ट्रिक बिल, एनओसी, ये सब आपको प्रोवाइड कराता है और वो सीए आपके लिए रजिस्टर करके देता है। तो जैसे आपका रजिस्टर हो गया आपका जीएसटी में एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अमेजोन का एफबीए रजिस्टर हो गया, नेक्स्ट आप अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं एफबीए में। कैसे भेजेंगे? भेजने के लिए अमेजोन का एटीएस व्हीकल होता है जो आपके घर से प्रोडक्ट पिक करके अमेजोन एफबीए में भेज सकता है। आप खुद भी शिप कर सकते हैं एफबीए का अपॉइंटमेंट लेके, इस तरीके से आप बेसिकली एफबीए का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसे प्रोडक्ट तो खरीद लिए लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचे, तो क्या उसको विजिबिलिटी मिलेगी, और मिलेगी तो कितने टाइम में मिलेगी, या फिर जो लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते उनको विजिबिलिटी नहीं मिलती है? देखिए ऐसा हो सकता है लेकिन अभी ये पूरा कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जाएंगे और आप कम्पीट, सोचिए मामा अर्थ, मिनिमलिस्ट, ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्किन केयर का फेस वॉश बेच रहे हैं, अगर आप फेस वॉश बेचने जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सेल आएगा नहीं क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन सोचिए आप ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट ढूंढे हैं जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है लेकिन डिमांड अच्छा खासा है, तो ऐसा अगर मार्केट है तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही सेल मिल सकता है, लेकिन ये 1 in 100 चांसेस में है आपको आएगा, मतलब बहुत रेयर चांस है कि ऐसा हो सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है क्योंकि कंपटीशन हर एक मार्केट में आपको मिलेगा ही थोड़ा बहुत, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मोस्टली अगर कोई नया सेलर है तो उसको एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देना चाहिए ताकि ऑर्गेनिकली भी उसके जो कीवर्ड्स है वो रैंक होने लग जाएं और फिर उसको धीरे 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 ऑर्डर्स आने लग जाएं, राइट? जी बिल्कुल। सैम भाई, आप ये भी बताइए कि मतलब जो भी सामान हम भेजते हैं, मान लीजिए हम खुद ही शिप कर रहे हैं या फिर जो अमेजोन का पार्टनर है वो हमारे यहाँ पे आके लेके जाएगा, तो उस केस में हमको जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो सब हमको अमेजोन से खरीदना पड़ता है या किसी कोई उनका वेंडर होता है वहां से खरीदना पड़ता है? ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, अमेजोन के अंदर ही आप मिल जाएगा बहुत इजीली, या फिर अमेजोन का सेलर जो डैशबोर्ड होता है वहां पे भी आप खरीद सकते हैं, वहां पे भी आपको लिंक लेके जाएगा अमेजोन के ऊपर ही। और
क्या कभी ऐसा होता है कि अमेजोन किसी सेलर के अकाउंट को बैन कर देता है, फिर उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है? तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें अकाउंट बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले रिव्यूज का बात कर रहे थे ना, बहुत लोग रिव्यू खरीदते हैं, तो ये एक चांस, ये एक चीज है, ये एक फर्स्ट ऑप्शन है कि आपका अकाउंट बैन हो सकता है अगर आप कुछ गलत तरीके से रिव्यू लेके आ सकते हैं और लेके आए और अमेजोन ने पकड़ लिया। दूसरा, अगर आप इन्फ्रिंज करते हैं, मतलब कुछ गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो भी आपका बैन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकता है, जैसे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत खराब है, अमेज़न आपको मल्टीपल टाइम्स वार्निंग दिया है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से कि बहुत ज्यादा आपका क्वालिटी खराब है, रिटर्न्स आ रहे हैं, कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कुछ चेंज नहीं हुआ, तब भी आपका लिस्टिंग बैन हो सकता है या फिर अमेज़न अकाउंट भी बैन हो सकता है। और इन केस मान लीजिए अगर किसी का अकाउंट बैन हो जाता है या फिर विजिबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो अगर उसको फिर से उसको एक्टिवेट करना है या फिर वापस से अच्छी विजिबिलिटी करनी है तो फिर क्या करना पड़ता है? जी देखिए, जब बैंड होता है तो अमेज़न आपको बोलता है मुझे प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करो कि आप क्या करने वाले हैं इसके बाद, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो बाद में ना हो। तो उसमें आपको डिटेल में ये लिख के देना है आपने क्या गलत किया और ये बताना है कि कैसे आप इसको ठीक करने वाले हैं। तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद अमेज़न रिप्लाई करता है। बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ है उनका सेलर अकाउंट वापस किया ही नहीं, मतलब बैन हटाया नहीं गया है। मैं ये भी जानना चाहूंगा, मान लीजिए कोई नया सेलर है तो अमेज़न की तरफ से क्या उसको कोई स्पेशल अकाउंट मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर ऐसा कुछ मिलता है, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, बहुत सारे अमेज़न स्मॉल सेलर्स को भी मिलता है, अमेज़न की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मिलता है जो उनको सजेस्ट करता रहता है कि कैसे आप ऐड रन करेंगे, कैसे लिस्टिंग करेंगे, कैसे GTN अप्रूवल लेंगे। तो ये लगभग मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटे सेलर हैं आपको नहीं मिलेगा। मैंने देखा है बहुत सारे छोटे सेलर्स को भी मिलता है, बड़े ब्रांड्स को तो मिलता ही है, बड़े ब्रांड्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स वगैरह वगैरह या फंडेड कंपनीज जो अमेज़न लॉन्च पैड को यूज कर रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट्स मिलता है ये सब का। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग शार्क टैंक में कहते हैं, और मैंने ना इन पर्सन भी बहुत सारे लोगों से बात की है, तो वो कहते हैं कि हम तो हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए खाली अमेज़न का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में हमको प्रॉफिट तो तब होता है जब हमारा प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट से बिकता है। तो बहुत सारे ब्रांड्स ना ऐसे क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव जाते हैं अपना कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। सोचिए वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ स्किन केयर में, क्योंकि ये ज्यादातर स्किन केयर सप्लीमेंट्स वगैरह में होता है। उनका प्रोडक्ट का प्राइस है सोचिए 300 रुपए, लेकिन एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, मतलब एक कस्टमर को लेके आके एक प्रोडक्ट को खरीदवाने के लिए उनको 500-600 रुपए खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा है बहुत सारे फंडेड ब्रांड जो सोचिए सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर उनको क्या चाहिए, उनको अपना सेल्स दिखाना है कि हम लोग का प्रोडक्ट मूव हो रहा है। तो ये ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर आप देखेंगे जो शार्क टैंक में आया वो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, वो ज्यादातर क्या फोकस करते हैं, उनका जो नेक्स्ट राउंड में वैल्यूएशन है वो ज्यादा हो, यहाँ तक जो ब्रांड्स प्रॉफिटेबल हैं, जो प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं वो अलग तरीके से फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं ताकि उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जितना कम हो सके, उनका कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो ज्यादा हो सके, एक कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे बेच सके, रिपीट ऑर्डर्स कैसे बढ़ा सके। जो ब्रांड्स प्रॉफिटेबल है अमेज़न में वो इस तरीके से सोचता है, जो ब्रांड सोचते हैं कि मुझे कस्टमर्स चाहिए अभी, सेल्स चाहिए अभी, नेक्स्ट राउंड में मुझे वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ाना है, वो ज्यादातर लॉस मेकिंग कंपनीज होते हैं और वो बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग स्पेंड करते हैं ब्रांडिंग पर्पस के लिए। हाँ, मुझे कस्टमर जान रहे हैं, ब्रांडिंग हो रहा है, तो ये डिफरेंट गोल्स रहता है, डिफरेंट गोल के हिसाब से डिफरेंट रिजल्ट्स भी आता है। क्योंकि मैं एक ब्रांड से मिला था तो उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम रखा था कि उनके कॉम्पिटिटर उस प्राइस में बेच ही नहीं सकते अमेज़न पे, लेकिन बाकी सबका प्राइस नॉर्मल था। सो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये मतलब इसको लॉस में क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यू नो इसको हम लॉस में इसलिए बेच रहे हैं ताकि कस्टमर जब आए तो वो दूसरा प्रोडक्ट भी परचेस करेगा तो वहां से हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा भी करते हैं, और ऐसा करना क्या सही रहता है? जी जी जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना लो टिकट प्रोडक्ट। तो लो टिकट प्रोडक्ट क्या होता है, सोचिए कस्टमर्स जब प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो आपका ब्रांड को जानते नहीं है उतना ज्यादा, तो उनके लिए आपके पास 500-1000 रुपए खर्चा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक 99 रुपीज का प्रोडक्ट है तो वो ज्यादा आसानी से खरीद सकते हैं क्योंकि ज्यादा खर्चा है नहीं, सिर्फ 99 रुपीज, 100 रुपए से भी कम, वो ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। लेकिन जैसे परचेस होता है तब ट्रस्ट बन जाता है, तो उसके बाद जब वो ब्रांड दूसरे प्रोडक्ट्स उनके पास है वो दिखाता है, क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है
या फिर ट्रायल पैक भी हम लोग बोल सकते हैं, जो ट्रायल पैक होता है, जो छोटा क्वांटिटी छोटा पैकेट में बेचते हैं, शैसे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इससे भी बहुत सारे ब्रांड्स कस्टमर लेके आते हैं छोटा प्रोडक्ट बेच के, ताकि वो और बड़े प्रोडक्ट्स हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट्स खरीद सके। जैसे शैम्पू, शैम्पू अगर देखेंगे सैशे में, अगर आप 10 सैशे को कंबाइन करेंगे देखेंगे ज्यादा क्वांटिटी आएगा। वहां पे आप एक बॉटल को देखेंगे, आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं लेकिन आपका जो लिक्विड का एमएल है या फिर क्वांटिटी है वो कम आ रहा है। तो ये क्यों आता है, सैशे ब्रांड्स, ये शैम्पू ब्रांड्स यूज करते हैं सैशे को अपना प्रमोशन करने के लिए, ताकि कस्टमर ज्यादा यूज कर सके और वो बाद में जाके इतना सारा पैकेट्स संभालने का झंझट में ना रहे, एक बॉटल खरीद ले जो उनका हाई टिकट प्रोडक्ट है। बहुत सारे ब्रांड्स बाय वन गेट वन फ्री करते हैं, ताकि कस्टमर को वो इनिशियली अपने दरवाजे में लेके आ सके, क्योंकि एक बार जब कस्टमर आ गए वो बाद में अपसेल कर सकते हैं, अपना बाकी प्रोडक्ट बेच सकते हैं बहुत इजीली। सही भाई, ये भी बताइए कि अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो कम से कम प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए ताकि उसको लॉस ना हो। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 250-300 रुपए से कम है तो फिर आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, बहुत बार शार्क टैंक इंडिया में भी ये बोला जाता है। सो कम से कम प्राइस क्या होना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से ना ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है, क्योंकि अमेजोन का जो शिपिंग कॉस्ट है, अमेजोन का जो फीस है, उसको आप देखेंगे ना वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इतना कम में बेच रहे हैं तो आपका मार्जिन बचेगा नहीं। मिनिमम जो मुझे लगता है, अगर आप 500 रुपए से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका एक मार्जिन कमाने का अच्छा ऑप्शन है। जितना ऊपर जाएंगे आप उतना अच्छा है, क्योंकि आपका कस्टमर क्वालिटी भी बढ़ेगा, कस्टमर क्वालिटी बढ़ेगा तो आपका रिटर्न कम आएगा। तो प्राइस मेरे ख्याल से 500 से 1000 के अंदर अगर रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, 1000 से ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट है अच्छा बिक रहा है तो और अच्छा है। और साथ ही साथ में ये भी बताइए कि रिटर्न्स को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपके पास है या फिर कुछ ऐसा तरीका जिससे रिटर्न को कम किया जा सके? देखिए, रिटर्न्स क्यों आता है, रिटर्न्स आता है पहला, आप गलत ऑडियंस के सामने अगर आपका प्रोडक्ट शो करते हैं जिससे क्वालिटी खराब है, दूसरा अगर आपका प्रोडक्ट का ही क्वालिटी खराब है, तीसरा हो सकता है बहुत कम आता है अगर आप FBA में करते हैं आपका लॉजिस्टिक्स में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तब होता है, या आप चौथा पॉइंट भी हो सकता है कस्टमर बहुत खराब है, कस्टमर जानबूझ के कर रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्ट का रेलिवेंसी मतलब किस ऑडियंस के सामने आपका प्रोडक्ट शो हो रहा है या एड शो हो रहा है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड जो चीज है, कस्टमर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कस्टमर का ध्यान में क्या है, कस्टमर का माइंडसेट कैसा है। कस्टमर अगर मन में ही सोच के रखा है मुझे रिटर्न करना ही है खरीद के, उसको आप सीख नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो चीज है वो सेलर खुद कंट्रोल कर सकता है, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा बेच सकता है, अपना एड्स का रेलिवेंसी अच्छा कर सकता है कि हाँ मुझे, अगर आपका सोचिए कैट प्रोडक्ट है और आपका एड शो हो रहा है डॉग ओनर के पास, तो जाहिर सी बात है उसमें आपका खर्चा होता जाएगा लेकिन वो परचेस नहीं करेंगे। या फिर बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा हो सकता है वो अलग चीज सोच के परचेस कर दिए और उसके बाद उनका रिटर्न करना मन किया, तो ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं तो रिटर्न्स ऐसे ही कम हो जाता है। आज से दो तीन दिन पहले की बात है, एक ऐसे इंसान से मिला था जो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और अमेजोन पे सेल भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बार कस्टमर्स क्या करते हैं कपड़े को यूज करते हैं फिर उसके बाद में भेज देते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि माल तो कुछ मंगा लिया और उसके बाद में जब वापस भेजा तो कुछ और ही चीज भेज दिया। तो मान लीजिए कोई नया सेलर है, उसके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो वो कैसे हेल्प ले सकता है अमेजोन से? अमेजोन के एक ऑप्शन है A to Z क्लेम्स, जो सेलर के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे सेलर्स ये सब चीजों के लिए क्लेम कर सकते हैं कि देखिए मुझे कस्टमर ने ये दिया है, तो उसके लिए आपको प्रूफ भी सबमिट करना पड़ता है कि हाँ देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है ऐसे वापस आया है। तो ये ऑप्शन है सेलर के पास A to Z क्लेम करने का, ताकि ये सब चीजों से सेलर बच सके और उनको जो खर्चा हुआ है या फिर जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई मिल सके। सो समी भाई, अब तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि आपने अपने अमेजोन की जर्नी को कब शुरू किया और आपके दिमाग में ऐसा क्या था कि आपने अमेजोन पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो भी कर सकते थे, आपने अमेजोन को क्यों चूज किया? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, तो मैं था कॉलेज के सेकंड ईयर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको पता होगा इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के। तो कुछ ऐसा हादसा हो गया कि जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरा फादर एक्सीडेंट हो गया और वो पास अवे, तो पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा मदर और सिस्टर मेरे ऊपर आ गया। और तब ऐसा टाइम था जब मैं दो चीज देख रहा था, पहला वो अमेजोन FBA, क्योंकि US में बहुत फेमस चल रहा था कि हाँ अमेजोन FBA में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैं मार्केटिंग थोड़ा बहुत ट्राई कर चुका था, तो अभी मैंने क्या अमेजोन FBA सीखता हूँ। तब मार्केट में
कुछ कोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो एक कोर्स मुझे मिला लगभग 5-6 हज़ार रुपए का, उसको मैंने परचेस किया और उससे सीखना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने किया कि मेरे पास सेमेस्टर का फीस था फिफ्थ सेमेस्टर देने के लिए लगभग 60 हज़ार रुपए। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं पैसा देके एग्जाम में बैठ सकता हूँ या फिर वो पैसा लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ना दो चीज आता है, देखेंगे मोरल चॉइसेस बहुत इजी रहता है लेकिन जब एथिकल चॉइसेस का बात आता है बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड एंड बैड के बीच में अगर चूज करना हो तो आप बहुत इजीली चूज कर सकते हैं, लेकिन जब गुड एंड गुड या फिर बैड एंड बैड के बीच में चूज करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे वहीं पे चूज करना था, तो मैंने वहां पे एथिकल डिसीजन ये लिया कि मैं ये पैसा लगाता हूँ और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने वहां पे स्टार्ट किया अपना बिजनेस, मैं लगभग 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च किया। पहला दो प्रोडक्ट उतना अच्छा चला नहीं क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैंने धीरे धीरे सीखा और 1-1.5 साल में मैंने अपना बिजनेस को स्केल किया लगभग 30 लाख पर मंथ तक। तब मैं स्टार्ट किया अपना कॉटन स्विंग बेचना, तो कॉटन स्विंग, मैक्रमे स्विंग, ये सब बेचना स्टार्ट किया और मल्टीपल डिफरेंट वेरिएशन हम लोगों ने लॉन्च किया, लगभग 8-9 डिफरेंट वेरिएशन स्टील का हम लोगों ने लॉन्च किया, मैक्रमे स्विंग, स्टील स्विंग, तो ये सब हम लोगों ने लॉन्च किया मेरे पार्टनर के साथ। और उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया और यूट्यूब में मैं पूरा डॉक्यूमेंट करने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, कितना मेरा डेली सेल हो रहा है, तो ये सब मैं दिखाता था। मैं सेलर डैशबोर्ड भी दिखाता था कि ये देखिए मेरा आज 1 लाख का सेल हुआ है, ये देखिए 80 हज़ार का सेल हुआ है, तो मैं डेली डॉक्यूमेंट करता था। और जैसे मैं डॉक्यूमेंट करने लगा ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब में मुझे पूछने लगे कि आप खुद के लिए कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए भी करना स्टार्ट कीजिए। तो उसके बाद हम लोगों को आइडिया आया कि मैं एक एजेंसी स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैं सेलर को मदद कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे क्या हो ना, मेरा इंटरेस्ट सेलिंग बिजनेस से हटके ये एजेंसी में आ गया, टीम बिल्डिंग में ज्यादा आ गया, मार्केटिंग में ज्यादा आ गया, क्योंकि ये मुझे ज्यादा एक्साइटिंग लगा। जैसे ये चीज मुझे एक्साइटिंग लगने लगा, मैंने देखा कि मैं ये वाला बिजनेस और रन नहीं कर सकता, मैंने अपना पार्टनर को हैंडओवर कर दिया और मैं पूरा 100% एजेंसी में शिफ्ट हो गया। अभी एजेंसी हम लोग लगभग 70+ ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं जो मिनिमम 30 लाख पर मंथ करते हैं, उसमें ये लगभग हम लोग 35+ टीम मेंबर्स हम लोग के साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो ग्लोबली हम लोग ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं, हर एक कंट्री का ब्रांड्स हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं अभी। तो ऐसा ही है, हम लोगों ने करके सीखा है और अभी और ग्रो करना है। आज के टाइम में अगर कोई अमेजोन पे शुरू करना चाहता है, मतलब 2024 में, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे सबसे पहले कोई कोर्स वगैरह बाय करना चाहिए या फिर डायरेक्टली उतर के खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उससे वो ज्यादा सीखेगा? जी देखिए, यहाँ पे ना अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो नॉलेज भरा पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ तक कि अगर आप हम लोग के वेबसाइट में जाएंगे regrowmedia.com, regrowmedia.com, वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हम लोगों ने बनाया है वो सब फ्री टू यूज है, हर एक लोग जा सकते हैं। जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज जितने हम लोग के पास है सब फ्री टू एक्सेस है, वो डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करें, एड्स कैसे चलाए, सब कुछ वहाँ पे दिया गया है, A to Z सब कुछ सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसपे आप A to Z सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नॉलेज की कमी अभी है नहीं, कोई भी अगर किसी भी बिजनेस में जाना चाहता है बहुत इजीली जा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके आप में स्पीड नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको बहुत जल्दी करना है, बहुत आपको काम करना है इस चीज के ऊपर, और स्पीड अगर नहीं है तो आप जल्दी बढ़ नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, स्पीड के बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं? स्पीड मतलब किस सेंस में? कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेट करते हैं कि आज नहीं कल शुरू करता हूँ, मैंने सीख लिया अभी मैं कल से करूंगा। आप उस सेंस में बोल रहे हैं या किस सेंस में स्पीड की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल उसी सेंस में मैं बोल रहा हूँ। मैं एक मेंटर को फॉलो करता हूँ, मेरा ग्रैंड कार्डन, वो एक चीज बोलते हैं 10x एक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई जो टारगेट है आपका उस तक पहुंचने के लिए ये 10 चीज आपको करना होगा, लेकिन इन जनरल आपको 10 चीज करने से वो टारगेट अचीव नहीं होगा, आपको 100 चीज करना होगा, मतलब 10 टाइम्स आपको वो चीज करना होगा, तब जाके आप गोल के करीब पहुंचेंगे। तो अगर आप इतने ज्यादा एक्शंस लेना चाहते हैं तो आपको स्पीड बढ़ाना होगा, स्पीड आपको जल्दी सीखना है, जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन कुछ भी करना है जल्दी करना है। आप अगर प्रोकेस्टिनेट करेंगे कि ये मैं पूरा परफेक्ट करके उसके बाद लॉन्च करूंगा, पूरा परफेक्ट होगा तब जाके स्टार्ट करूंगा, तब कभी नहीं हो पाएगा।
तो इसी सेंस में आपको अगर स्पीड नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट, वो कहते हैं ना कल कभी नहीं आता है, जो लोग सोचते हैं मैं कल करूंगा तो उनके लिए कल कभी आएगा ही नहीं, जो भी करना अभी करो, आज करो, शुरू कर दो। राइट, बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 2017 में जब आपने शुरू किया तब अमेजोन पे काम करना कंपैरेटिवली इजी था या अब ज्यादा इजी हो गया है, या फिर अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया, थोड़ा टफ हो गया है, और आने वाले टाइम में अमेजोन में और क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है जो लोग नए शुरू कर रहे हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से अमेजोन पहले भी कंपटीटिव था, आज भी कंपटीटिव है, और आने वाले दिन में और कंपटीटिव होने वाला है। तो मेरे ख्याल से वही चीज आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली जाके वहां पे सीखने वाले हैं बहुत कुछ। तो अगर आप सोचेंगे कि मार्केट और इजी होगा तब जाके आप उतरेंगे, तो मेरे ख्याल से ये कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि कोई भी मार्केट, कोई भी बिजनेस हमेशा कंपटीटिव होता रहता है, लेकिन आप कभी भी उतर सकते हैं। तो अमेजोन अभी देखिए मार्केट में ऑनलाइन से, जैसे जियो का जो मार्केट चला, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया में ऑनलाइन परचेज कितना ज्यादा हो गया। अभी आप देख रहे हैं क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, 10 मिनट में सब कुछ आपको पता होता है। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक ऐसा जगह है जहां पे कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे, और कस्टमर्स अगर बढ़ रहे हैं तो उनको फीड करने के लिए सेलर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। तो एक ऐसा मार्केट है, मेरे ख्याल से कभी ये रुकने वाला है नहीं, कॉन्स्टेंट इसका ग्रोथ आता रहेगा, और अगर इसमें ग्रोथ आता रहेगा तो आपका चांस हमेशा रहेगा। सही भाई, आपने बहुत सारी चीजें एकदम डिटेल में बताई। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, अगर वो इंसान इस वीडियो को देखता है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है, डेफिनेटली वो अमेजोन पे अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। अब मैं आखिर में आपसे चाहूंगा कि अगर आप हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, या D2C ब्रांड अगर कोई शुरू करना चाहता है उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कह सकते हैं। जी, देखिए मेरे ख्याल से मैं एक चीज बताऊंगा जो मैंने पहले बता चुका हूँ, स्पीड मेन चीज है। अगर आप में स्पीड नहीं है तो स्पीड लेके आइए। दूसरा चीज, अगर कुछ आज अच्छा हो रहा है इसका मतलब है जो आपने पास्ट में एक्शन लिया है उसका रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है। तो बहुत लोग आज का सक्सेस देख के रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, बाद का सक्सेस आता नहीं है। तो अगर आपको आज अच्छा चीज देखने को मिल रहा है तो आज भी आपको काम करना है। तो इसको बोलते हैं कीप पुटिंग द ओट्स इन द फायर, आग को और बढ़ाइए और आग को बढ़ते देना चाहिए, मतलब आप और वहां पे ओट घुसाइए ताकि आग और बड़ा हो, और कॉन्स्टेंटली आपको आग में और लकड़ी डालते रहना होगा। हमेशा एक्शन लेते रहिए, और एक्शंस जो लेता है उसको, उसके लिए सक्सेस हमेशा वेट करेगा। थैंक यू सो मच सैमी भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी ऑडियंस को सारी चीजें डिटेल में बताई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।